शंकरगढ़ में एक बारातियों की पिकअप जो थी उसका दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आज अभी हमारे पास 15 महिलाएं और बच्चे आ चुके हैं, 15 बाराती 15 पेशेंट आ चुके हैं, और जिसमें देखा जाए तो आउट ऑफ डेंजर तो सभी हैं, पर दो का जबड़ा टूटा हुआ है, दो मरीजों का, और एक के छाती में चोट है। हालांकि आउट ऑफ डेंजर तो है पर चोट जो है काफ़ी चोट है छाती में, और उसके अलावा एक जो है ब्रॉड डेड आहत आए हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनके परिजन नहीं मिल पाए हैं। तो इस तरह से एक ब्रॉड डेड और 15 पेशेंट जो है शंकरगढ़ वाले भर्ती है हमारे। परिजन चूँकि उनसे बात नहीं हो पाई है तो इस बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। मरीजों की जहाँ तक बात है कि मरीज आउट ऑफ डेंजर हैं और सभी का करीब करीब इलाज पूरा हो गया है। एक्सरेज वगैरह जो किया करना था वो सब सेट कर गए और अभी सभी सर्टिफिकेट पेश। अभी मुझे 10-15 मिनट पहले पता चला था कि एक एम्बुलेंस ऑन आने वाली है, फिर अभी पता चला है कि बाकी मरीज बलरामपुर या बाकी अस्पताल में एडमिट हैं और अभी नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, कैजुअल्टी के बारे में एक का जो हमारे यहाँ जो आया ब्रॉड डेड उसी के बारे में जानकारी है, बाकी जानकारी है। आज शाम को एक पिकअप गाड़ी बस बारात लेकर के जा रही थी, तो उसमें से शंकरगढ़ के भी आ रहे थे, तो रास्ते में एक हादसा हो गया जिसमें पिकअप के पलटने से जो घायल हुए हैं। अभी अंबिकापुर के जिला अस्पताल में 16 लोगों को लेकर आए हैं और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें 7 लोगों की वहीं डेथ हो गई थी और एक घायल को जो यहाँ जो अंबिकापुर के जिला अस्पताल ला रहे थे तब रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, तो अभी तक कुल 8 मृत्यु की जानकारी। तो क्या वजह बताई जा रही सर दुर्घटना की? अभी जो घायलों से पूछताछ मैंने की है उसमें ये पता चल रहा है कि जो ड्राइवर था वो काफ़ी मात्रा में शराब पिए हुए था
और उसकी वजह से ही शायद वो गाड़ी को संभाल नहीं पाए और गाड़ी रोल आउट हो गई। इलाज तो वहीं शंकरगढ़ के CHC में किया जा रहा है और जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थे अभी तक 16 यहाँ पर आ चुके हैं जो जिनका इलाज अंबिकापुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों की पूरी टीम उनके लिए लगी हुई है और हमने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट भी किया हुआ है कि अगर उनको किसी ब्लड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस वाले भी इसके लिए तैयार हैं। हमारी सर दूसरी बात देखा जाता है समय समय पर हम लोग पुलिस के द्वारा कार्यवाही की भी जाती है और करते रहते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन कई बार वाहन की अनुपलब्धता की वजह से ऐसे लोग हायर कर लेते हैं और उसमें सवार हो जाते हैं लोग। सर पिकअप माल वाहन तो इसमें क्या कार्रवाई बनती है? और जो मोटर व्हीकल के अंतर्गत कार्रवाई होती है वो होती है और अभी इसमें हम लोग पहले वहाँ पे जो चूँकि बलरामपुर जिले का मामला है तो वहाँ के अधिकारी लोग पूरी जांच कर लेंगे और उसके बाद अगर इसमें जो भी धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करेंगे और उसमें फिर आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे।